बच्चों आज मैं कुछ नया चीज नया चैप्टर नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। बेसिकली पिछले प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस ईयर्स में देखा गया कि सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया था, बट अभी न्यू सिलेबस 2020-21 का सिलेबस नजर आ रहा है मुझे, उसमें सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया। तो आज मुझे एक साल के बाद फिर दोबारा से सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट को पढ़ाने का मौका मिलेगा। वैसे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट था, बट हमारे लिए सीबीएसई एग्जाम में से हटा दिया गया था। तो आज हम उसी सीरीज का एक पार्ट शुरुआत करने जा रहे हैं, वो सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो सॉलिड्स के बारे में वैसे भी आप लोग जानते हो, कोई नई चीज नहीं है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, क्लास 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, खासकर 9th क्लास में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा है। तो हम सॉलिड के बारे में आज जानना चाहेंगे। बेसिक चीज आप जानते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ही इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन फोर्स काफी स्ट्रांगर होता है और उसमें रिजिडिटी होती है, कॉम्पैक्टिविटी जीरो होती है, वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर का होता है। उसी सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा डेप्थ स्टडी करेंगे और जितने सारे सॉल्ट्स हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में हम उसके बारे में डिटेल्ड स्टडीज चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं व्हाट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को बेसिकली हम सॉलिड्स को ही यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे का नाम होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो बेसिकली हम क्रिस्टलाइन एमॉर्फस को डिटेल जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो मैं थोड़ा बेसिक आइडिया बताऊंगा अभी आपको और थोड़ा डिफरेंसेस की बात करूंगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, मान लीजिए आपके पास कोई एबी एक सॉलिड था, तो पहला पॉइंट कहते हैं इसमें, एबी कोई सॉलिड एग्जाम्पल लिया मैंने, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और पार्टिकल्स प्रेजेंटिंग सॉलिड। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर हमारे पास ये, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, ये पार्टिकल्स हम जानते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये पार्टिकल मेरे पास क्लोजली पैक्ड है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये देखिए ए, तो ये बी, ये ए, ये बी, फिर देखिए ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ये बता रहे मैंने देखिए टू डायमेंशन में दिखाया। अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये एक्स है, ये वाई है। बट इवन थ्री डायमेंशन में भी अगर आप जाएं तो ए के बाद भी इसी और बी के पैटर्न को मेंटेन करते हुए चलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में, चाहे वो थ्री डायमेंशन में एक्स पे आ पाए, वाई पे, जेड पे भी आ पाएंगे, तो उस कंडीशन में ए बी के अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होंगे। ब्रेक करना चाहे, ब्रेक करने के बाद आप ये पाएंगे कि ए के बाद बी, बी के ये पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं, दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पे हम NaCl या जितने भी सॉल्ट्स आपको दिखाई देते हैं या कंपाउंड्स दिखाई देते हैं आपको या मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। कंडीशन याद रखना है कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम हमेशा फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब ये जहां भी जाएंगे आप एक्स वाई एक्स एक्सिस पर हमेशा ये अरेंजमेंट पैटर्न को फॉलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड, द सेकंड टाइप में दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या आता है, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, एन एटम कह दीजिए या पार्टिकल कह दीजिए आप जो भी कहना चाहें, प्रेजेंट इन ए सॉलिड इज कॉल्ड एमॉर्फस। एग्जाम्पल के नाम पे अगर हम बात करें तो ग्लास और जितने सारे आपको पॉलीमर्स मिल जाएं, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। पॉलीमर्स, जैसे मैं पॉलीथीन की बात करूं आपके पास, पॉलीथीन की मतलब पॉलीथीन की बात कर लूं आपके साथ, या पीवीसी की बात कर लूं आपके साथ, टेफ्लॉन की बात करूं आपके साथ, बेकेलाइट की बात करूं आपके साथ, तो याद रखिए पहचानने का तरीका है जितने सारे पॉलीमर्स मिल जाए और ग्लास, खासकर विंडो ग्लास जो हमारे पास है, अगर ऐसे सब्सटेंस जहां पे पार्टिकल इररेगुलर अरेंजमेंट। अब इररेगुलर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप देखिए मैं छोटा सा बना रखा है डायग्राम आपके लिए, ये जैसे आपके पास प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास ए बी का ही कोई पार्ट, ए बी ही कोई एमॉर्फस सॉलिड है, तो हो सकता है कि टू टाइम्स ए रिपीट हो, टू टाइम्स बी, हो सकता है कि पूरे एक लेयर में आपको खाली ए मिल जाए, कहीं पे आपको एक बी मिल जाए, फिर बीच में दो ए मिल जाए, तो इनका अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं होता, चाहे आप एक्स पे जाए, चाहे आप वाई पे जाए,
सच टाइप ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड एमोर्फस। आप बेहतर तरीके से तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्रिस्टलाइन एमोर्फस को जब आप इनको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला प्रॉपर्टीज मैंने लिया शेप। इनका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है, इसको आप चेंज। इसका फेस क्या होता है? नॉट फिक्स्ड, बदल सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फेस का मतलब है कि अभी आप डिटेल स्टडी करेंगे शेप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉल्ट का अपना पर्टिकुलर शेप होता है, आप पढ़ेंगे क्यूबिकल शेप, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। अभी आपको क्लियर नहीं होगा बट आगे क्लियर हो जाएगा। नॉट फिक्स का मतलब इसको चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, अपने ऐसा मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्रिस्टलाइन में मैंने लिख दिया पहले ही आपको सॉल्ट की बात की थी, और कंपाउंड जितने सारे मिलेंगे आपको मॉलिक्यूल या कंपाउंड वो सारे इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। मैंने एक सॉल्ट लिखा था, दूसरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और यहां पर आप देखें तो प्लास्टिक, रबड़ और इवन ग्लास, इन सबको आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए प्लास्टिक रबड़ बोथ है द पॉलीमर बैकग्राउंड, पॉलीमर से आते हैं, ग्लासेस एक डिफरेंट टाइप से, इनको आप अपने हिसाब से शेप में चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट इनका हमेशा फिक्स्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। वेरी करता का मतलब बताता हूं आपको, अगर ग्लास आप सेम फैक्ट्री से कोई ग्लास निकल के आया है, अगर आप दोनों सैंपल को अगर मेल्ट करना शुरू करें दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आ जाएंगे। वैसे प्लास्टिक के अंदर बिकॉज इंटर पार्टिकल इंटर ऑर्डर्ड जो है अरेंजमेंट है वो आपको वहां क्लियर नजर, वहां पे क्या फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो सकती। क्लीवेज प्रॉपर्टीज, जब आप कट करेंगे, कट विथ नाइफ, अगर आप इसे कट करेंगे तो एक शार्प, इट फॉर्म्स एज। एज का मतलब इसमें एक सरफेस आएगा, जब भी आप इसे कट करेंगे नाइफ से, खासकर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, एक शार्प आपको क्लीन सरफेस, स्मूथ सरफेस जनरेट करते हैं। ये डजेंट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टीज, डजेंट शो, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा बिखर देंगे बारीक बारीक टुकड़ों में। जैसे ग्लास को अगर आप थ्रो करके देखें तो बारीक टुकड़ों में टूट जाते हैं, एक पर्टिकुलर शेप में नहीं टूटेंगे। लेकिन सॉल्ट या कंपाउंड की कहानी, जब ये सॉलिड सब्सटेंस होंगे इसे ब्रेक करेंगे तो एक पर्टिकुलर शेप में इसका अरेंजमेंट अलग होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रिटल नेचर के होते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, जाहिर सी बात है कि उसे अगर आप वेरी हाई अगर आप इसे हीट करके मेल्ट करना चाहेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसमें लो होगा, लो हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज क्या है इसे समझना पड़ेगा। अगर आपके पास, मैंने एक देखिए डायग्राम बनाया है, पहले आपके सामने दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम को अगर आप देखें, अगर आप इस अरेंजमेंट को पकड़ें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने डायग्राम किसका बनाया है, क्रिस्टलाइन का है या एमोर्फस का है, ये बता दीजिए आप मुझे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का है या एमोर्फस का है। जाहिर सी बात, अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने एक पैटर्न को फॉलो किया है, रेगुलर अरेंजमेंट, तो जाहिर सी बात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नजर आ रहा होगा आपको। अगर आप यहां पे देखिए, अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल मिल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहां जाएंगे, वाई पे जाएंगे, तो यहां पे बड़े बड़े पार्टिकल मिल रहे हैं। अगर आप यहां पे जेड पे जाएंगे तो आपको दोनों साथ में मिल रहे हैं। देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, इट कैन वेरी, ये चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए इस आप एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो आपकी मुलाकात सिर्फ इस पार्टिकल से होगी। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन द पार्ट व्हेन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, व्हेन मूव अलोंग वाई एक्सिस, मूव अलोंग जेड एक्सिस, द डिफरेंट पार्टिकल्स आर मीट हियर। देयर आर व्हाट हैपन, देयर आर द वन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये ब्लैक डिफरेंट पार्टिकल है, ये राउंड सर्किल ब्लैंक सर्किल डिफरेंट पार्टिकल है। यहां पे सिर्फ आपको डॉट वाले पार्टिकल मिल रहे हैं, यहां बड़े बड़े पार्टिकल मिल रहे हैं, यहां दोनों डॉट और बड़े पार्टिकल दोनों साथ मिल रहे हैं। तो वैसी प्रॉपर्टीज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, जिस सॉलिड के अंदर अगर ये प्रॉपर्टीज वेरी करती है ड्यू टू दिस डिफरेंट नेचर ऑफ द पार्टिकल इनसाइड प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो क्रिस्टलाइन, यस इट शोज, ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, अरेंजमेंट फिक्स होता है, बट आप एक्स वाई और जेड पे जाएंगे तो ये पार्टिकल का नेचर क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज क्या होगी, जस्ट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो चीज का वो वेरी करती है, सच प्रॉपर्टीज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। यहां पे क्या होगा, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यहां वेरी नहीं करती। लास्ट में ऑर्डर अरेंजमेंट की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड फॉलो करते हैं, ये शॉर्ट रेंज तक, मतलब कोई भी अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ी दूर तक चलेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर,
उसके बाद यहां वेरी कर जाएंगे, बट यहां पे क्या है अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म तक फिक्स हो जाएगा। तो इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए अगर आप गौर करें तो इस केस में आपको ये डिफरेंशिएट करने के लिए काफी अच्छा है पॉइंट। आपको इस पॉइंट पर अगर आप गौर करें, शेप के हिसाब से फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत है, इसकी वैरी करती है। इसकी क्लेविक प्रॉपर्टीज क्या होगी, जब भी कट करेंगे नाइफ से एक शार्प आपको प्लेन सरफेस मिलेगा। यहां पे आएंगे, ये ब्रिटल नेचर का होता है, ये कभी भी आपको एक पर्टिकुलर शेप में कट करने के बाद आपको वहां पे स्मूथ सरफेस नहीं मिलेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन इसका बहुत हाई होगा क्योंकि इसके इंट्रैक्शन पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्डर अरेंजमेंट होते हैं। यहां पर आपको लो मिलेगी आपको हीट ऑफ फ्यूजन। और एनाइसोट्रॉपिक उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो मैंने पहले डिफाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स विच कैन वेरी अलोंग द एक्सिस एक्स वाई जेड पे वेरी करता है, दैट प्रॉपर्टीज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। वो जो कि आपका अगर आप आते हैं क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड में, ये आपको आइसोट्रॉपिक नेचर के मिलेंगे, मतलब सेम पाए जाएंगे। और ऑर्डर की बात पहली बात हो चुकी है, अगर हम ऑर्डर की बात करें ये लॉन्ग रेंज शो करते हैं, शॉर्ट रेंज शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके जरिए आप आसानी से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को आपस में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी, तभी आप पहचान पाएंगे कि एमॉर्फस क्या है क्रिस्टलाइन क्या है। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया, इसे हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ग्लास। स्यूडो सॉलिड बेसिकली ये टर्म इस्तेमाल होता है एमॉर्फस के लिए। ग्लास के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, कहता है कि दो सॉलिड्स विच कैन फ्लो इन सॉलिड सरफेस। इसका मतलब सॉलिड्स होने के बाद भी इसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टीज होती है, सच टाइप ऑफ सॉलिड्स कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए विंडो ग्लास लिया हमने, ये होता क्या है कि आप जब फ्रेश नया ग्लास लाते हैं विंडो पे लगाते हैं तो आप शुरुआत में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर नजर आएगा, बट कुछ दिन के बाद आपको धुंधला धुंधला सा नजर आने लगेगा। वो धुंधलापन क्या है मैं बताता हूं आपको, होता क्या है जब सन की लाइट यहां पड़ती रहती है शीशे पे, अगर या हीटिंग इफेक्ट की वजह से, सनलाइट या हीट की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जो अपर सर्फेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है ग्लास के, वो करते क्या है, वो लोअर डाउन फ्लो करते हैं विद इन द सर्फेस। फ्लो करने से क्या होता है कि यहां पर जो एरिया होगा वो आपका थिन हो जाएगा और यहां का जो एरिया वो थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जाहिर जाहिर सी बात है कहीं पतला सा कहीं मोटा सा नजर आएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से क्लीन ग्लास को देख नहीं पाएंगे। सच प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास इन विच द ग्लास पार्टिकल फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट इट कैन फ्लो, सच प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड ऑफ द फॉर द एमॉर्फस कंपाउंड। ये प्रॉपर्टीज एमॉर्फस के अंदर पाई जाती है। इस तरफ से मैंने अभी सॉलिड स्टेट की शुरुआत की है, आई होप आपको ये मेरे टॉपिक समझ में आया होगा। आगे मैं डे बाय डे फिर कुछ नया टॉपिक्स ऐड करता रहूंगा इस तरह से।